हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका। एंड आज है सरस्वती पूजा एंड अभी जस्ट सुबह सुबह अभी हम लोग उठे हैं एंड अभी फटाफट से रेडी होना है क्योंकि वहाँ पे मुझे अंजलि देना है। तो आज रेडी होना है, उसके बाद सरस्वती पूजा से आने के बाद हम लोगों को जाना है एक रिसेप्शन में क्योंकि एक रिलेटिव है, उनके वहाँ पे रिसेप्शन है, उसकी शादी हुई है अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे भी जाना है। सो आज दिन होने वाला है बहुत लंबा एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे दिन चलता जाएगा मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊंगी जो भी होगा। सो येस, विदाउट गेटिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने ऐसे येलो कलर का एक हैंडलूम का साड़ी पहना है विद रेड ब्लाउज एंड ये हैंडमेड ज्वेलरी जो मैं कोलकाता से लाई थी वो पहना हुआ है। एक्चुअली ये मुझे अभिलाष की आंटी काकी ने गिफ्ट किया था, सो मैंने ये डाल लिया है। एंड अभिलाष भी आज येलो कलर के कुर्ते में बिल्कुल रेडी है। सो ये है मेरा ड्रेस एंड बस अभी टाइम हो चुका है, अभी हम लोग निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। सो चलिए चलते। हैप्पी बसंत पंचमी तो बोला था शोभा के एक बार। हैप्पी बसंत पंचमी, बन 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 पंचमी। अभी हम लोगों ने अंजलि दे दिया है जो देना था मैंने और अभी लास्ट ने, तो अब हम लोग थोड़े बहुत फल प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अभी एक फर्स्ट राउंड हुआ है, सो फर्स्ट राउंड अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी बाकी राउंड होने के बाद ही वो फल प्रसाद मिलेगा। सो अंजलि अभी डन हो चुका है एंड बस अभी थोड़ा वेट करते हैं। मैं सोच रही हूँ एक और पूजा है यहाँ पे सामने, वो देख के आते हैं। अरे हाँ। मिल गया है हमें फल प्रसाद, अभिलाष ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है और मेरे से भी ये ले रहा है। ये देखो बूंदी चोर, बूंदी चोर, ये इंसान देखो बूंदी चोर, इसको बूंदी इतना ए मतलू मैं इसे पागल को थपा रहे मन लग चुके थे, इसका खत्म भी हो गया, मैं फटाफट से खत्म करती वरना मेरा भी खा जाएगा। तो अभी हम लोग आए हैं एक और पूजा देखने, मैंने आपको बोला था। सो एनी हाउ अभिलाष कन्विंस हो गया कि हम लोग को आना चाहिए एक और पूजा में, तो अभी आए हुए हैं बी ब्लॉक की पूजा देखने और मैं आपको थोड़ी देर दिखाती हूँ। एंड हम चार लोग आए, सब लोग पीला पीला पहन गए हैं, सब लोगों ने येल्लो येल्लो कलर का कपड़ा पहना हुआ है, उन दोनों ने येल्लो कलर के कुर्ते पहने हुए हैं जो कि फ्रेम में भी नहीं आ रहे हैं, हम दोनों ने येल्लो कलर की साड़ी पहनी हुई है। चलो मैं आगे आपको पूजा दिखाती हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने पंडाल बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है। सो अभी हम लोग कर रहे हैं काफी देर से भोग का इंतजार, यहाँ पे सब लोग ग्रुप्स बना बना के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों पार्टी का ग्रुप है, यहाँ पे हम दोनों हैं, सब लोग बातें बातें कर रहे हैं कि कब भोग तैयार होगा और खाएंगे क्योंकि फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स में कितना ही पेट भरता है, थोड़ा सा फ्रूट्स खाया है एंड बस भूख लग रही है और खिचड़ी भोग तो सभी को अच्छा ही लगता है। सो इसीलिए इधर इधर घूमो, वहाँ पे हमारी मोमिता बातें कर रही है और वहाँ पे आंटी भी आ गई है। अब लग चुकी है भोग के लिए लाइन, ये है क्यू पूरा भोग के लिए। सो अब खाते हैं भोग एंड दिखाती हूँ आप लोगों को भी क्या क्या खा रहे हैं। यहाँ पे सारे काकूस मिलके जो है वो भोग दे रहे हैं। सो फाइनली इंतजार खत्म हुआ हम लोगों का, सुबह से चुका है भोग, खिचड़ी
मिक्स वेज पायस बेगुनी एंड यहाँ पे है छोले भूरे रसगुल्ला एंड इन्होंने खाना स्टार्ट भी कर दिया है यहाँ पे मोमिता पायस कैसा है टेस्टी है बहुत सो अभी हम सब ने खा लिया है भूख पेट भर चुका है बहुत अच्छी तरह से बहुत टेस्टी था खाना एंड अभी थोड़ा सा अभी गाड़ी में आया थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए क्योंकि ऊपर बिल्कुल फुल है बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी तो थोड़ा सा बैठेंगे फिर मोमिता के घर जाएंगे उसको पिक करेंगे वहाँ से देन फिर जाएंगे अपने घर शाम को मैंने पहले ही बोला था हमें रिसेप्शन जाना है तो आज जाके थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट एक घंटे का थोड़ा सो जाऊँ एंड शाम को तो जाना ही है बाकी जैसा जैसा होगा आप लोग को देख आप लोगों को मैं दिखा दूंगी देख पाओगे जैसे जैसे होगा देख पाओगे ये बोलना चाहती थी मैं और प्रेमी आशो ना थक गए हम लोग खाना खा के बहुत ज्यादा बहुत बड़ा काम किया है हम लोगों ने खाना खा के बहुत बड़ा इंडिया का आजाद कर दिया जब भोग मिला तब मुझे इतनी तेज भूख लगी थी इतनी तेज मुझे लग रहा था मैं कितना सारा खा जाऊंगी एक आध प्लेट और लूंगी खाने में लेकिन जब भोग खाना स्टार्ट हुआ पता नहीं खिचड़ी का एक सीन है मेरे साथ जो भोग की खिचड़ी है चाहे कोई सा भी खिचड़ी हो मुझे खाना अच्छा लगता है लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं और ले नहीं पाती मतलब खा नहीं पाती खिचड़ी ज्यादा वैसे भी नहीं खाया खिचड़ी जल्दी तो जो भी मैं खिचड़ी लवर नहीं हूँ लेकिन कभी कभार खिचड़ी का मतलब भोग की खिचड़ी अच्छी लगती है मुझे बहुत अच्छी लगती है सो पेट भर गया मुझे ऐसा लगा था मैं खा लूंगी बहुत सारा लेकिन नहीं खा पाई सो एनीवेज बाकी अभी चलते हैं आंटी लोग आ जाए उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे इनके घर मोमिता अपना सामान उठाएगी क्योंकि शाम को वो भी जा रही है हम लोगों के साथ एंड बस फिर निकल जाएंगे यहाँ तो सब लोग बैठ चुके हैं शंभू को शुगर अभी अपलोड करोगे तो शंभू अरे बच्चे देखो वहाँ से आने के बाद हम लोग थोड़ा सो गए थे क्योंकि काफ़ी देर से गए हुए थे एंड बहुत ज़्यादा धूप वगैरह थी तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर चुके थे एंड अभी उठे हैं एंड अभी टाइम देख रहे हैं 7 बज चुका है तो फटाफट से रेडी होना है तो इसलिए मैंने पहले लेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिया क्योंकि मुझे पावर है सो ये कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज है सो ये मैंने डाल लिया अब फटाफट से मेकअप करेंगे एंड देन रेडी होंगे क्योंकि साड़ी पहनना तो साड़ी पहनने में मुझे टाइम लगता है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो सो अभी साड़ी पहनूंगी देन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी होके आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था ब्लॉग करने का सो यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे बाकी सब लोग आ चुके हैं ये बुआ यहाँ पे भाभी भैया यहाँ पे छोटी बुआ मोमिता बाकी सब आ चुके हैं यहाँ पे अभी बस वो दोनों आ जाए अभिलाष एंड वो एंड देन फिर मैं बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ सब चीज़ पहले मैं आप लोगों को हाँ फिर हम मौज मस्ती करेंगे एंड पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ कि रिसेप्शन में किसकी रिसेप्शन है सो ये है हमारे दूल्हा दुल्हन ब्लॉग बन रहा है क्या यस एंड ये हमारे फेमस फोटोग्राफर जिसने मेरी शादी की भी फोटोग्राफी पूरी की थी ये है पूरा एम्बियंस एंड यहाँ पे अभी हम लोग स्नैक एंजॉय कर रहे हैं तो ये है इनका स्टेज का डेकोरेशन ये बहुत ही सुंदर पूरा फ्लारी एकदम वो कर रखे हैं बहुत सुंदर है यहाँ पे सारा फूड वूड सब चीज़ें हैं एंड यहाँ पे पूरा एम्बियंस है सब चीज़ें एंड यहाँ पे हो रही है हम लोगों की फोटो सेशन तो यहाँ पे भैया भाभी डिनर कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को निकलना है ये लोग बहुत जल्दी इन लोग बहुत दूर जा रहे हैं की बोल सीखा इनको बहुत दूर जाना है और मेरा पति ये है जो बात कर करके इनको खाने नहीं दे रहा डिस्टर्ब किए जा रहा है तो यहाँ पे रेडिसन ब्लू में खाना खाया जा रहा है चिकन बिरयानी आज तो चिकन बिरयानी तो अभी हम लोगों का डिनर वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं घर बुआ लोग जाएंगे बुआ लोगों के घर पे एंड हम लोग चले जाएंगे इधर सीधा सबने मास्क वास्क लगा रखा है अरे यार ये सलाम आके बोल और यहाँ पे पापा बोला क्या शिबू पिशम ओशाई सॉरी बाय खोला दा सबाई के बाय 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 আর স্পিড গুলো দেখে এখানে কিন্তু ওই গাড়ির মধ্যে ফোকাস করো মাছ কানেক্ট করো আমাদের গাড়িতে ঠিক আছে না না
बाय बाय, चलो बाय बाय। सब बुआ लोग जा रहे हैं, फाइनली हम लोग भी जा रहे हैं, बस बुआ को बाय 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 बहुत ही बाय 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 बाय। सो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, अभी 12 बजने 5 मिनट बाकी है। सो सब लोग आ चुके हैं, मैंने ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ उतार ली, काफ़ी देर से पहना हुआ था शाम से एंड अब बहुत टायर्ड हो चुके हैं। मोमिता ने यहाँ पे चेंज भी कर लिया, इसलिए मैं उसको अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं भी करूँगी चेंज क्योंकि इतनी 10 किलो का हैवी साड़ी पहन के मेरी हालत बैंड बच चुकी है। तो लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो क्योंकि काफ़ी सुबह से चल रहा था, सरस्वती पूजा वगैरह सब चीज़ें सेम वीडियो पे ही जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड अगर अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए एंड बाय।